ho. Merry Christmas. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त होगे। तो गाइस, जैसा कि पता ही है आप लोगों को कि क्रिसमस डे आने वाला है और इस टाइम पे गाइस काफ़ी सारे बंदे इस टाइप से वीडियो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं बना के। तो यार, आप लोग इस टाइप की वीडियो किस तरीके से बना सकते हो क्रिसमस डे वाली, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम इस चैनल पर रोज लेके आते रहते हैं और लाते भी रहेंगे। तो चले गाइज, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो गाइज, इस वीडियो को एडिट करने के लिए सिंपली से आप लोगों को अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सिंपली से आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एंड जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे गाइज, आप लोग यहाँ पे वीडियो वाले ऑप्शन पे आ जाना और यहाँ पे गाइज आप लोगों की गैलरी में जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों के सामने शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर गाइज क्या करना कि आप लोगों को मैं एक टेलीग्राम पे एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है, जो ये वाली वीडियो रहेगी। तो इसको आप लोग क्या करना गाइस, वहां से डाउनलोड करके कुछ इसी तरीके से ऐड कर लेना। वीडियो को ऐड करने के बाद लास्ट में जो वाटरमार्क देता है इसे हम डिलीट कर देंगे। इतना करने के बाद गाइस अभी हमें क्या करना है कि हमें अपने फोटोज को ऐड करना है। तो फोटो को ऐड करने के लिए हम सिंपली से प्लस के आइकन पर क्लिक कर देंगे एंड यहां से फोटोज वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना होगा। एंड गाइस यहां पर आप लोगों को 14 से 15 फोटोज यहां पर सिलेक्ट कर लेने होंगे अपने, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोगों के पास यार फोटोज क्रिसमस वाले नहीं है तो आप लोग अपने नॉर्मल फोटो भी यूज कर सकते हो, और अगर आप लोग फिल्टर लगा के क्रिसमस वाला अगर फोटो क्लिक करके आप इस टाइप से अगर करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और वैसे भी काफ़ी सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे आप लोगों को क्रिसमस का, क्रिसमस वाले, ठीक है। तो आप लोग उसमें से अपने कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेना, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देना। अगर नहीं है वो वाला फिल्टर नहीं मिल रहा है, या फिर आप लोग अपना नॉर्मल फोटो ऐड करना चाहते हो तो नॉर्मल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्रिसमस की कुछ फोटोज यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। अभी गाइस क्या करना है कि जितने भी फोटो हमारे फुल स्क्रीन पर नहीं है उन फोटो को पकड़ के कुछ इस तरीके से हमें फुल स्क्रीन पर डालना होगा, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को भी अपने सारे फोटोज को फुल स्क्रीन पे डाल लेना होगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज हमने सारे फोटोज़ को फुल स्क्रीन पे डाल दिया है एंड बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है अभी, ठीक है। अब गाइज हम क्या करेंगे कि अपने वीडियो में सबसे पहले अभी हम ऑडियो ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऑडियो ऐड करने के लिए सिंपल से हमें ऑडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे साउंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद गाइज आप लोगों को मैं साउंड दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो साउंड यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से ये वाला वीडियो मैं दे दूंगा आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो उसका साउंड कुछ इस तरीके से वीडियो का एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों का जो साउंड है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो अभी गाइज आप लोगों को क्या करना है कि कुछ इस तरीके से यहाँ तक तो हमारा साउंड सही है, यहाँ से अभी हमें क्या करना है कि हमें अपने सारे फोटोज़ को हमें रखना है 0.8 या 9 सेकेंड के राउंड, ठीक है। तो मैं इसको 9 के लगभग रख देते हैं हम, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम सारे फोटोज़ को 0.9 सेकंड के आसपास हम रख देंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे गाइस, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएंगे एंड इसको भी हम क्या करते हैं 0.9 सेकंड के आसपास रख देते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से गाइस अगर आप लोग 0.8 सेकंड भी रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये है कि जो फोटो को आप लोग जो परफेक्ट टाइम लाइन दे रहे हो तो वही परफेक्ट टाइम लाइन पर ही सेट करना, ठीक है। जैसे 0.9 दे रहे हो तो 0.9 पे सेट करना, 0.8 कर रहे हो तो 0.8 पे ही करना। तो मैं क्या करता हूँ गाइस यहाँ पे फटाफट से कर लेता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सारे अपने फोटोज़ को टाइमलाइन के हिसाब से सेट कर दिया है। जो हमारा टाइमलाइन है वो 0.9 सेकंड है, ठीक है। तो अभी गाइज यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अभी गाइज हमें क्या करना है कि अपने फोटोज़ में हमें एनिमेशन ऐड करना है, ठीक है। जो आप लोगों ने एनिमेशन देखा था प्रीव्यू पे, सेम वही एनिमेशन अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों फिंगर से सबसे पहले तो लेयर्स को हम जूम करेंगे एंड अपने फर्स्ट वाले फोटो पर कुछ इस तरीके से क्लिक करेंगे। थर्ड नंबर में देख सकते हो गाइज यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन
देखने को मिल जाएगा। एनिमेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे कॉम्बो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और कुछ इस तरीके से गाइज आप लोगों को इधर की तरफ आते जाना है, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइज आप लोगों को एक बैंड जूम का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं ढूंढ लेता हूँ वो हमारा जो बैंड जूम है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज आप लोगों को कुछ इस तरीके से आगे आना होगा, आते जाना होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आओगे जैसे ही, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये है हमारा बैंड जूम का, अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना वरना बाद में भूल जाओगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि यही वाला एनिमेशन अभी हमने सारे फोटोज में अप्लाई करना है, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से गाइज मैं आप लोगों को फटाफट से करके बता देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज हमने जो बैंड जूम वाला एनिमेशन है हमने सारे फोटोज में यहाँ पर देख सकते हो अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है गाइज जो मैं एनिमेशन यूज किया हूँ वही आप लोग भी करो, आप लोगों का जो मर्जी वो कर सकते हो, ठीक है। तो बैंड जूम के अप्लाई करने के बाद हम सिंपली से यहाँ नीचे से हम इसको डन कर देंगे। अभी गाइज मैं क्या करता हूँ ना, इसका जो म्यूजिक है यार इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, बिकॉज आई नो आप लोगों को म्यूजिक सुनाई देता होगा तो प्रॉब्लम आ रहा होगा एंड मैं म्यूजिक को प्ले भी नहीं कर सकता बिकॉज यार कॉपीराइट इशू है थोड़ा, ठीक है। तो अभी गाइज मैं क्या करूँगा कि इसमें जो व्हाइट वाला जो फ्लैश होता है उसे हम लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो दोनों लेयर्स के बीच में एक बॉक्स बना है इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइस कुछ इस तरीके से इधर की तरफ आना, यहां पर देख सकते हो ब्लैच का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, इसका भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको कुछ इस तरीके से क्लिक करना एंड नीचे साइड में देख सकते हो अप्लाई ऑल का ऑप्शन है, तो सिंपल से इस पर क्लिक कर देना आप लोग, ठीक है। अप्लाई ऑल पे तो ये वाला जो फ्लैश है हमारे सारे फोटोज में अप्लाई हो जाएगा और यहां पर देख सकते हो गाइस जो हमारी वीडियो थी वो कंप्लीटली सो रेडी हो चुकी है। सो अभी मैं क्या करता हूँ गाइज आप लोगों को ना एक बार वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग वीडियो को एंड आई नो आप लोगों को म्यूजिक सुनाई नहीं देता होगा बिकॉज यार मैंने म्यूजिक को म्यूट कर दिया है। बाकी आप लोग यहाँ पे वीडियो देखो, वीडियो जो है हमारी काफी ज्यादा कूल लग रही है एंड बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव लग रहा है देखने में। तो यार आप लोग भी इस टाइप से क्रिसमस वाली वीडियो एडिटिंग करो और अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, ठीक है। अभी के टाइम पे वैसे भी क्रिसमस का समय है, तो आई होप आप समझ गए होगे कि आप लोगों को इस वीडियो को किस तरीके से बनाना है। अब गाइज मान लो आपकी एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट और आप लोग इस वीडियो को सेव करना चाहते हो तो एरो पे क्लिक करना और ये वीडियो गाइज आपके गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप गाइज ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी यार मैं मिलता हूँ आप लोगों को किसी ऐसी कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।